Next, we'll discuss about an example of energy density. Let us say एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है और इसकी सेपरेशन अगर डी के बराबर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने चार्ज क्यू और माइनस क्यू दिया और चार्ज देने के बाद बैटरी को हटा लिया गया। अब बैटरी को हटाने के बाद इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक मेटल प्लेट डाल दी गई जिस मेटल प्लेट की थिकनेस टी थी और इस मेटल प्लेट का एरिया भी ए के बराबर था। तो दो प्लेट्स के बीच की दूरी तो डी है और इसमें एक मेटल प्लेट इंसर्टेड है जिसकी थिकनेस टी है। अब अगर ये निकालना है कि मेटल प्लेट डालने के बाद इस सिस्टम की एनर्जी पहले कितनी थी और बाद में कितनी है, या ये निकालना हो कि मेटल प्लेट डालने के बाद इस सिस्टम की एनर्जी कितनी घट गई, तो इनिशियल एनर्जी सिस्टम की यू आई विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी होगी, जहां पे सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। देयरफॉर इनिशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर है। और फाइनली जब हमने मेटल प्लेट डाल दी तो मेटल प्लेट के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? इस सिस्टम की नई कैपेसिटेंस निकालने के लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक केप्ट इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और जो फॉर्मूला है वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के बराबर है। अगर ये एक मेटल प्लेट है तो मेटल प्लेट की डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन्फिनिटी होगी, एंड देयरफॉर इस सिस्टम की नई कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी के बराबर होगी, जहां पे हमने k की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे t बाई के जीरो हो जाएगा। दस इस सिस्टम की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, एंड देयरफॉर जो फाइनल एनर्जी सिस्टम में होगी वो q स्क्वायर अपॉन टू नई कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी माइनस टी के बराबर हो। दस इस सिस्टम की जो फाइनल एनर्जी है एज कंपेयर टू इनिशियल एनर्जी वो कम हो गई, और अगर हमें निकालना है कि ये एनर्जी कितनी कम हुई, द डिक्रीज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू यू आई माइनस यू एफ, ये डिक्रीज होगा ना कि चेंज, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर टी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी। अब इस फॉर्मूले को वी कुड हैव ऑल्सो डिराइव यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। कैसे? पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे पूरे स्पेस में है, चार्ज क्यू है, और बाद में जब इस मेटल प्लेट को डाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतने स्पेस में रही, यहां पर और यहां पर। जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इतने स्पेस में थी, अब यहां पे वो नहीं है। तो जो डिक्रीज इन एनर्जी होनी चाहिए वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि इतने रीजन में एनर्जी स्टोर थी। अब वी नो दैट कि क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में देयर इज एन एसोसिएटेड एनर्जी, एंड दस जो इतने रीजन में एनर्जी स्टोर पहले थी वो बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू इतने रीजन का वॉल्यूम, एंड दैट वॉज ए इंटू टी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में दैट विल बी गिवन बाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। वी नो दैट जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज क्यू और माइनस क्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, एंड देयरफॉर द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस मच वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई की जगह पे q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ए इंटू टी। एक ए यहां से कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली एक एप्सिलॉन भी यहां से कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल हैव द एनर्जी स्टोर्ड टू बी इक्वल टू हाफ q स्क्वायर टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो इतनी एनर्जी पहले इस जोन में स्टोर थी,
जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई कंडक्टर को डालने के बाद, तो इतने जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गई, बाहर अभी भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। दस जो इस सिस्टम की एनर्जी है और जो इस सिस्टम की एनर्जी है उसका डिफरेंस उतना ही होना चाहिए जितनी कि इस जोन में एनर्जी स्टोर थी, एंड विच इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। सो दिस विल बी द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम जबकि हम मेटल प्लेट को इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की क्वेश्चन लगाएं, यू आई प्लस वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माइनस हीट प्रोड्यूस मस्ट बी इक्वल टू यू एफ। तो इस बार बैटरी तो है नहीं, वर्क डन बाय बैटरी विल बी इक्वल टू जीरो। फर्दर कोई चार्ज भी फ्लो नहीं कर रहा तो इस सिस्टम में कोई हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जो एनर्जी घटी है इस सिस्टम की हाफ क्यू स्क्वायर टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, वो कैसे घटी? बिकॉज इस सिस्टम ने उस एक्सटर्नल एजेंट के ऊपर इतना ही वर्क कर दिया होगा, या वी कैन से दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इस कंडीशन में नेगेटिव होगा क्योंकि इस मेटल प्लेट को ये पैरेलल प्लेट्स अपने अंदर की तरफ खींच रही होंगी और एक एक्सटर्नल एजेंट को रिस्टोरिंग फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये मेटल प्लेट स्लोली इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आए। दस जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा एंड देयरफॉर सिस्टम की एनर्जी घट रही है। सो यहाँ पे वी गेट द सेम रिजल्ट ईदर बाय यूजिंग द चेंज इन कैपेसिटेंस और एनर्जी का फॉर्मूला और बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी।